असलकम प्रोजेक्टिव टेक्निक और प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी ये है हमारे इस सेशन की गुफ्तु का मौजू सा साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात हो पर्सनैलिटी टेस्ट की डिस्कशन हो और हम प्रोजेक्टिव टेक्नीस की बात ना करें ये मुमकिन नहीं शायद प्रोजेक्टिव टेस्ट वो टेस्ट हैं जिनको आप सबसे दिलचस्प टेस्ट कह सकते हैं इन टेस्ट को करना इनको देखना या इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए एक दिलचस्प तजर्बा होता है लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप प्रोजेक्टिव टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो भी आपकी जॉब शायद इतनी मुश्किल नहीं मगर इन टेस्टों की इंटरप्रिटेशन खासी मुश्किल हो सकती है इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल अपने जहन में लाइए बाज़ात हम किसी पार्क में बैठे होते हैं गर्मियों में आप रात को अगर बाहर सोने का इतफाक़ हो तो आसमान की तरफ बादल के किसी टुकड़े को देखते हैं दिन में दोपहर के वक्त आसमान पे आपको सफ़ेद बादलों का कोई गाला सा नज़र आता है और अक्सर बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है किसी बच्चे को उसमें कोई खरगोश दिखाई देता है किसी को कोई रुई नज़र आता है किसी को आ, कोई भालू की शक्ल दिखाई देती है किसी को शायद कोई दूर रहने वाली परी उसमें या कोई जिन या भूत या कोई जानवर दिखाई दे और किसी को उसमें शायद कुछ भी दिखाई नहीं देता सो वॉट आर दे लुकिंग एट दे आर लुकिंग एट क्लाउड बट वॉट दे आर परसिविंग इज डिफरेंट उनकी परसप्शन मुख्तलफ है किसी को उसमें जानवर किसी में कोई खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है जिससे हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि हर कोई अपने तजर्बे के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक अपने उस वक्त के जज्बाती तजर्बे के मुताबिक फीलिंग और इससे मुतल दूसरी चीज़ों के हिसाब से बादल में कुछ ना कुछ देखता है थोड़ा सा और आगे जाएं या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा तारीख की जानब देखें तो हम देखते हैं कि फ्राइडियन अप्रोच या साइको एनालिटिक अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें आप ये कहते हैं कि लोग अपने ख्वाब में वो चीज़ें देखते हैं जो कि उनके अनकॉन्शस में छुपी हुई हैं या दबी हुई हैं और ख़्वाब में जो कंटेंट आपको दिखाई देता है वो भी एग्जेक्टली exactly वो नहीं होता जो चीज़ या जो ख्वाहिश आपने रिप्रेस करके अपने अनकॉन्शियस में छुपाई हुई है वो ख्वाहिश या वो जज्बा या वो एहसास अपनी शक्ल बदल कर एक सिंबॉलिक फॉर्म में आपके खाब में दिखाई देता है यही चीज़ हमें बादल के टुकड़े के मुख्तफ तरह से प्रसिव किए जाने में दिखाई देती है और ये कहा जा सकता है अगर आप साइको अनोलिटिक को इस्तेमाल करें तो कहा जा सकता है कि किसी शख्स को बादल में वही दिखाई देगा जो उसकी अनकॉन्शियस ख्वाहिशा की अक्सी करता हूँ इसी ही चीज़ को लेके प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं बनाए गए बनाए जा रहे हैं और इस्तेमाल होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट अगर आप याद करें तो हम देखते हैं कि डिफेंस मेकनिज़म जो फ्रायड ने दिए थे उनमें हमने प्रोजेक्शन की बात की थी इसके अलावा भी हम आम जिंदगी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स मुझ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप किसी और चीज़ को बजाय इसके ख़ुद पर रिफ्लेक्ट करें आप मुझ पर प्रोजेक्ट करें तो प्रोजेक्ट से क्या मुराद है यानि दरअसल कोई एक और चीज़ है एक मख्तफ स्टेमलस है किसी और तरह से दिखाई दे रहा है या किसी एक स्टेमलस में हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो कि बाहर उस स्टेमलस में मौजूद नहीं है तो ये टेस्ट इसी तरह की चीज़ों और इसी तरह के एक्सपीरियंस से ताल्लुक़ रखते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे स्टिमुलस पेश किए जाते हैं जो कि बज़ाहिर कोई ख़ास मानी नहीं रखते और मतलब या मुराद ये होती है कि जो सब्जेक्ट है उसको कोई मानी देगा अगर हम देखें डेफिनेशन के मुताबिक दीज आर द दिन विच सब्जेक्ट इज फर्स्ट शोन एंड एम्बिग्यज टू डिस्क्राइब इट और टेल स्टोरी अबाउट उट यानि आप एक एम्बिग्य वे एक चीज़ बज़ाहिर कोई माने रखने वाली चीज़ आ, माने ना रखने वाली चीज़ एक सब्जेक्ट को पेश करते हैं और से कहते हैं कि आपको इसमें क्या दिखाई देता है जैसे पानी का एक ग्लास किसी के सामने रख दीजिए और उसको पूछे तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है कोई शख्स कहेगा इट्स हाफ फुल और कोई शख्स कहेगा हाफ एम उसी गिलास में एक जितना पानी मौजूद है लेकिन उसको परसीव करने का तरीका मुख्तलफ है अगर किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी जो है वो खाली महसूस होती है तो शायद और ना मुकम्मल महसूस होती है तो वो हाफ़ एम्प्टी की बात करता है लेकिन अगर कोई शख्स ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट रखता है और उसकी सोच जो है वो मुस्बत है उम्मीद रखने वाली है पॉजिटिव सोच है तो वो हाफ़ फुल पर तोजो देता है बिल्कुल इसी तरह से मुख्तफ तरह के स्टेमिला जो है वह प्रोजेक्टिव टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं आ, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हम स्याही के धब्बे इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में इंटरप्रिटेशन लेते हैं किसी में हम नामुकम्ल जुमले या अल्फाज पेश करते हैं और सब्जेक्ट से कहते हैं कि आप इसके जवाब में जो भी जहन में आता है वो फ़ौर कहिए कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें आ, कुछ तस्वीर या पिक्चर्स और पेंटिंग जो हैं या ड्राॅइंग्स जो हैं वो सब्जेक्ट के सामने पेश की जाती है उससे कहा जाता है कि आप बताइए कि आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें क्या इवेंट है जो वकू हुआ है इससे पहले क्या हुआ था और आइंदा क्या होने वाला है और फिर कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जिसमें आप सब्जेक्ट को कुछ ड्राइंग करने को देते हैं कुछ टेस्ट में ह्यूमन फिगर की ड्राइंग करने को दी जाती है कुछ में किसी घर और मकान या दरख्त की ड्राइंग करने को भी कहा जाता है और जो ड्राॅइंग है उसकी इंटरप्रटेशन की जाती है कि ये किसी शख्स की किन फीलिंग्स की किस साइकोपथोलोजी की या शख्सियत के किस पहलू की निशानदेही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाले और बहुत पॉपुलर टेस्ट जो हैं उनमें हमें ड्रोशॉक्स इनपलॉट टेस्ट दिखाई देता है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या टी और इसके साथ साथ हम हाउस ट्री पर्सन या ड्रॉ अ मैन इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक्स इस के बहुत से टेस्ट इस्तेमाल करते हैं आइए हम सबसे पहले इनमें से कुछ टेस्टों को देखते हैं कि इनमें कंटेंट क्या है और इसकी इंटरप्रटेशन कैसे की जाती है प्रोजेक्टिव टेस्ट में जो सबसे शायद मुश्किल कह लीजिए या कॉम्प्लेक्स चीज़ या यूँ कह लीजिए कि ऐसी चीज़ जो इतनी सीधी नहीं है वो है इंटरप्रेसन एंड स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप जानते हैं कि स्कोरिंग बहुत आसान है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है कोई भी शख्स स्कोरिंग कर सकता है और ये बता सकता है कि ई जी का स्कोर क्या है लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट में ऐसा मुमकिन नहीं है वेरी वेरी फाइन एंड स्पेसिफिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्रटिंग द रिजल्टि नो ऑर्डनरी पर्सन कैन इंटरप्रेट एन इन इन ब्लॉट टेस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्याही के धब्बे में कहूँ कि मुझे इसमें एक दरिया नज़र आ रहा है तो इस बात की इंटरप्रटेशन करने के लिए ट्रेंड साइकोलोजिस्ट की ज़रूरत होगी जबकि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इस तरह के खास प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है अगर दस्याब ना हो तो इसकी स्कोरिंग किसी से भी करवाई जा सकती है प्रोजेक्टिव टेस्ट में सबसे पहले और शायद सबसे पहला टेस्ट या सबसे यूँ कह लीजिए कि अहम टेस्ट और शायद सबसे दिलचस्प टेस्ट भी जो है वो है रोशाक्स इन ब्लॉट टेस्ट अमन रोशाख के साथ इसका नाम एसोसिएटेड है बुनियादी तौर पर यह टेस्ट जो है ये कुछ सयाही के धब्बों पर मुश्तम है मुख्तल कार्ड्स हैं हर कार्ड के ऊपर जो है एक धब्बा या कह लीजिए धब्बा नुमा तस्वीर मौजूद है बुनियादी तस्वर इन इं, इंक ब्लॉट का ये है कि जैसे आप भी बचपन में करते होंगे आप किसी भी कागज़ को मोड़ लीजिए कागज़ के दरमियान में एक इंक का ड्राप डाल दें या अगर आपके पास अगर आप कलर्ड बनाना चाहते हैं तो आप पेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंक का कतरा गिराने के बाद कागज़ को फोल्ड कर दीजिए उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ दें अब आप उसको दोबारा खोलेंगे तो आपको एक बिल्कुल बैलेंस और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड शेप नजर आएगी हम उसको शेप ही कह सकते हैं या आप उसको इंक ब्लॉट कह सकते हैं इस धब्बे में या इस शेप में जो दिखाई दे रही है इसको हम एक स्टिमुलस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं रोशाक ने भी यही किया उनके कुछ इंक ब्लॉट जो हैं, वो है वो ब्लैक एंड वाइट है यानी सफेद बैकग्राउंड है उसके ऊपर स्या रंग की जो है आ, इंक उसको इस्तेमाल किया गया और कुछ ऐसे हैं जो कि कलर्ड भी हैं यानी उसमें इंक के अलावा आपको जो कलर्ड ब्लॉट भी जो हैं, वो है वो दिखाई देते हैं द टेस्ट कंसेस ऑफ इंक ब्लॉट प्रेसिस विच है इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है और यही वजह है कि शायद हर किसी को एक अलग चीज़ उसमें दिखाई देती है सब्जेक्ट ऑन सेपरेट कार्ड्स एक एक करके कार्ड जो है वो सब्जेक्ट को दिखाए जाते हैं और उसके बाद उसको देख दिखा कर ये पूछा जाता है कि उसको इसमें क्या दिखाई देता है हर सब्जेक्ट जो है वो अपने तजर्बे के मुताबिक अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक अपनी समझ के मुताबिक अपने महसूसात के मुताबिक और सैको डैनमिक टर्म्स में अपने खुफ्ता जो मसाइल हैं या दबी हुई ख़्वाहिशात हैं उसके मुताबिक अपना जवाब देता है और शायद आ, कोई भी दो लोग एक चीज़ उस धब्बे में नहीं देखते लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम तौर तो पर यूनिवर्सली देखा गया कि लोगों को उनमें धब्बों में, में दिखाई देती हैं मसा बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिनको वो धब्बा एक तितली की तरह लगेगा Uh, कोई धब्बे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग uh, परसीव करते हैं एज अ बैट कि वो एक चमगादड़ है क्योंकि हमने देखा कि एक सिमेट्रिकल शेप बनती है जब आप उसको खोलेंगे तो उसके ऊपर ये तासर मिल सकता है कि किसी चीज़ के दो पर हैं तो वो दो परों वाली और पर पहले वे हों तो एक तितली भी हो सकती है एक चमगाड़ भी हो सकती है कोई और चीज़ भी उसमें दिखाई दे सकती है बहुत से लोगों को उसमें लिज्ड या चिपकली भी दिखाई देती है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कॉमनली प्रसिव करते हैं आ, लेकिन आ, ऐसे लोग जो कि किसी एक ख़ास तरह का पर्सनालिटी पैटर्न रखते हैं या उनमें कोई साइकोपेथोलॉजी भी पाई जाती है बहुत ज़्यादा एग्रेसि टेंडेंसीज भी हो सकती हैं वो उसमें ख़ास मुख्तलफ़ और दिलचस्प और अजीबोगरीब चीज़ें भी देखते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन जो हैं हर इंक ब्लॉट की वो एक ख़ास तवील या यू कह लीजिए कि तफसी कहानी किसी सूरत भी बाज़ात इख्तियार कर लेती हैं अब मिसाल के तौर पर ऐसे एक ब्लॉट में कहीं पर कोई रेड स्पॉट्स या धब्बे दिखाई देते हैं तो एक शख्स जिसमें एग्रेसिव टेंडेंसीज है वो ये कह सकता है कि और ऐसे नैरेटिव्स मौजूद हैं रिसर्च में भी जिसमें वो कहते हैं कि दो जानवर हैं या दो भालू हैं वापस में लड़ रहे हैं और एक ने दूसरे को मार दिया है और इसके इर्द जो है ये सब खून के धब्बे जो है ये बिखरे हुए दूसरी جانب कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है कि जो एक बहुत हल्की फुल्की तबीयत का मालिक है और जो खुश है और जिस जिसमें जिसको ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें की, देखने की आदत है उसको वही रेड स्पॉट्स हैं वो है, उसको ये लग सकता है कि फूलों की पत्तियाँ हर तरफ बिखरी हुई हैं तो एक रोमांटिक ओरिएंटेशन जो है उसमें दिखाई दे सकती है एग्रेसिव ओरिएंटेशन वाला शख्स जो है वो उसमें एक और तरह की चीज़ देखता है द रिस्पांस आर रिकॉर्डेड

तो आपको ये मालूम होगा कि किस किस तरह से कौन सी चीज़ का क्या मतलब निकाला जाएगा मतलब अगर कोई शख्स लाइट देख रहा है या डेप्थ देख रहा है या कलर देख रहा है ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका भी अपना अपना एक मतलब है आ, लेकिन ज़ाहिर है कि हम इन टेस्टों के इंटरप्रिटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा तफील से बात नहीं करेंगे क्योंकि तो एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप सीखने के अमल से गुजरेंगे तो उस वक्त इसकी ज़्यादा समझ आएगी आ, याद रखने की बात यह है कि एम्बिगुलस एम्बिग्यूस टल्स जहाँ इस्तेमाल किया जाएगा उसको हर शख्स से पूछते हैं एक एक कार्ड दिखा के कि आपको इसमें क्या दिखाई देता है रिस्पॉन्सेज जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और अवेलेबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के हवाले से उसकी इंटरप्रटेशन जो है वो फाइनली की जाती है इस टेस्ट का सही इस्तेमाल इसकी एकट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिसाइज इंटरप्रटेशन दीज थिंग डिपेंड

और ये चीज़ हमें अक्सर प्रोजेक्टिव टेस्ट में दिखाई देगी आप देख सकते हैं कि रोशक की शेप्स जो हैं कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं सिमेट्रिकल होंगी जो चीज़ आपको कार्ड पर या अपने सफ़े पर एक साइड पर दिखाई देगी राइट साइड पर वहीं आपको लेफ्ट साइड पर भी दिखाई देगी क्योंकि दरअसल ये एक ही तयशुदा कागज़ की खुली हुई तस्वीर है एक और प्रोजेक्टिव टेस्ट जो खासा मकबूल है स्टूडेंट्स भी अक्सर अपनी केस स्टडीज़ में इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकल रिपोर्ट्स में भी उसका इस्तेमाल करते हैं और शायद ही कोई साइकोलॉजी का ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने कभी भी इसको, इसको इस्तेमाल ना किया हो या देखा ना हो इसका नाम है टीएटी या थीमेटिक अपसीप्शन टेस्ट अपसेप्शन और परसेप्शन, परसेप्शन से आप वाकिफ़ हैं प्रसप्प्न क्या है परसैप्शन से मुराद है कि जो इंफॉर्मेशन हमें अपने सेंसिस की मदद से मिल रही है उसको हम कुछ माने देते हैं इतराक हासिल करते हैं किसी चीज़ का अपरसप्शन से मुराद है कॉन्शियस परसेप्शन कॉन्शियसली किसी चीज़ को देखना महसूस करना इतराक करना उसको बयान करना थीमेटिक अपसीप्पन यानि ये टेस्ट जो है किसी थीम से मुतल है और उसकी क्या परसेप्शन आप करते हैं टेस्ट का नाम हैंनरी मरे के नाम के साथ एसोसिएटेड है पुराना टेस्ट है आज भी इस्तेमाल होता है इट्स अ सीरीज ऑफ एम्बिग्य पिक्चर्स विच इज शोन टू द सब्जेक्ट हुट ही और शी इज सींग द स्टोरी इज कंसिडर्ड एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन पर्सनैलिटी मुख्तफ तस्वीरें हैं तस्वीरों का एक सिलसिला है जो एक एक करके सब्जेक्ट को दिखाई जाती हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है लेकिन रोशाख टेस्ट से ये मुखल है रोशाख में बिल्कुल एक एबस्टेक्ट शेप है जो कि आप कुछ भी नहीं बनाया गया लेकिन टी ए टी में जो तस्वीर दिखाई जाती है उसमें कोई ना कोई किरदार मौजूद होते हैं किरदार वाजहे तौर पर जरूरी नहीं कि आपको मेल या फीमेल फिगर्स दिखाए जा रहे हों आप खुद से प्रसीव करते हैं कि आपको ये मेल फिगर लग रहा है या फीमेल फेस लग रहा है तस्वीरें रोशाक के मुकाबले में इनको आप तस्वीरें कह सकते हैं रोशाक जो थे वो इंक ब्लॉट्स थे जो कि उसमें इस्तेमाल किए गए द सब्जेक्ट इज आज टू डिस्क्राइब वट एवर इज़ हैपनिंग इन इट जस्ट लाइक फॉर्मिंग अ स्टोरी तो सब्जेक्ट को एक तरह की एक कहानी जो है वो बयान करना होती है वो लिख भी सकता है और बाद सूरतों में इसको उस बयान करदा कहानी को नोट भी किया जाता है द सब्जेक्ट हैज़ टू टेल वाट इज़ हैपनिंग इन दीन वॉट आर द एंटीसीडेंट्स हु द करेक्टर्स आर एंड वट इज गोइंग टू हैप्पन इन फ्यूचर यानि सिर्फ तस्वीर देख के ये नहीं बताना कि इसमें आपको क्या दिख रहा है आप ये भी कहते हैं कि इस वक्त इसमें क्या हो रहा है जो किरदार इसमें दिखाई दे रहे हैं वो कौन है उनका आपस में क्या ताल्लुक है एंटेसिडेंट्स यानि अब से पहले इस सीन से पहले क्या हो चुका है क्या बैक ग्राउंड है और आइंदा क्या होने वाला है जाहरी बात है ये काफ़ी एलेबरेट किस्म की डिस्क्रप्शन है और जब इस तरह की कहानी लिखी जाएगी तो ये ख्याल है और ये अजम्पन है कि जो बताने वाला है या टेस्ट टेकस है उसके जहन में और उसकी ज़िंदगी में जो सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं वही इसमें रिफ़्लेक्ट होंगे और जो मेन कैरेक्टर है वो उसका अपना किरदार होगा और जो जज्बात और हालात वो बता रहा है वो दरअसल उसकी अपनी ज़िंदगी के हालात तो और जज्बात की अक्सी कर रहे होंगे मसल अगर वो ये कहे कि उसका जो मेन किरदार या हीरो जो है वो बहुत ख़ुश है तो उससे ये मतलब अखज़ किया जा सकता है कि ये शख्स जो है एक खुश इंसान है लेकिन अगर उसमें ये बताया जाए कि वो एक परेशान हाल शख्स है जिसको माजी में उसके भाई ने बहुत ज़्यादा तंग किया और उसके साथ बहुत ज़्यादी की और आइंदा ज़िंदगी में वो नाकाम होने वाला है और ख़ुदकुशी करने वाला है तो इससे हमें ये क्लू मिल सकता है कि ये सब कुछ उस शख़्स की अपनी आप बीती है और हो सकता है कि उसमें किसी तरह की सुइसाइडल टेंडेंसी जो है वो पनप रही हो। सो सब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टर्स दियर थिंकिंग एंड मोटिवेशन जिसका मतलब ये हुआ कि जब वो किरदारों की मोटिवेशन और थिंकिंग जो है उसको बयान करता है तो दर वो अपनी थिंकिंग और मोटिवेशन को बयान कर रहा होता है टीएटी टेस्ट जब डेवलप किया गया था तो उसका मकसद यही था कि आ, जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के मुख्तिक पहलुओं जो हैं उनकी स्टडी की जा सके और टी फॉर पेशेंट्स इन साइको एनालिसिस ऐसे पेशेंट्स जो कि साइको एनालिसिस से गुजर रहे थे उनकी शख्सियत की जांच के लिए इसको डिवेलप किया गया बाद में ये देखा गया कि मुख्तलिफ उम्र के लोगों के साथ ये बहुत मुफीद तहसित हुआ और जिसका मतलब है कि इसको तरह तरह की पॉपुलेशन के साथ इस्तेमाल किया गया इट वॉज़ डिवेलप फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव टू एवेलुएट पैटर्न ऑफ थाट एटीट्यूड ऑब्जर्वेशनल टेंडेंसीज एंड इमोशनल रिस्पांस एंड एक्सपीरियंसिस और ख़याल यही है कि जो तस्वीर में डिस्क्राइब किए गए किरदारों के इमोशन्स होंगे जज्बात होंगे ख्याल होंगे जैसी उनकी सोच होगी जैसा उनका रुझान होगा वह दरअसल सब्जेक्ट के अपने रुझान की अक्सी कर रहा होगा scoring, रोशा के मुकाबले में इसकी स्कोरिंग शायद आसान है बहुत से क्लूज डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाते हैं दिटमीडिफाई स्टोरी विदिविजल द स्कोरिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन मरीज थेरी प्रायमरली दें थर्टी कार्ड्स इन कार्ड्स में से कुछ जो हैं बल्कि तमाम तर एडल्ट मरद ख़वान के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं कुछ टेस्ट जो हैं बच्चों के लिए इस्तेमाल के लिए मुनासिब ख्याल किए जाते हैं बाज़ अकात ऐसा होता है कि तमाम के तमाम कार्ड जो हैं किसी सब्य के साथ आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाज़त ऐसा भी होता है कि क्लिनिशन या प्रेक्टिज हैं वो अपने क्लाइंट की सूरत हाल देखते हुए उसकी एबिलिटी देखते हुए हो सकता है कि महज बीस कार्ड इस्तेमाल करें और रिसर्च में हमें दिखाई देता है कि दो से लेके 30 तीस कार्ड तक इस्तेमाल किए गए सो तो बास लोगों के साथ तीस के तीस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं कार्ड या पिक्चर्स उनको कह लीजिए और ये भी हो सकता है कि अगर कोई सब्जेक्ट इस तरह का है कि वो ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता ज़्यादा देर बोल नहीं सकता और बड़ी मुश्किल से सवालों के जवाब देता है और उसके लिए कहानी बयान करना एक मुश्किल तजर्बा है तो हो सकता है कि आपके साथ उसके साथ महज दो या तीन कार्ड्स भी इस्तेमाल करें इस टेस्ट की एक जो अच्छी खसूसियत है वो ये है इट हैज़ अ ग्रेटर अपील इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इमोशन एंड मोटिवेशन फॉर द स्टोरी टेलर और देखा यह गया है कि इसके इंटरप्रिटेशन जो है रोशा के मुकाबले में काफ़ी आसान है TAT की पिक्चर्स अगर आप देखें तो वो उतनी ज़्यादा वेक और एम्बिगस नहीं है जितनी के रोशा के इंक प्लॉट्स हैं क्योंकि उसमें फिगर्स हमें दिखाई देते हैं वीक पॉइंट्स ये हैं कि TAT की भी साइकोपीट्रिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टिव टेस्ट के लिए साइकोमीट्रिक प्रॉपर्टीज रिलाइबिलिटी वेलिडिटी और फिर स्टैंडर्डाइजेशन ये तरह से शायद मुमकिन ही नहीं है जैसे कि आप किसी एबिलिटी uh, के टेस्ट के साथ कर सकते हैं uh, भाव ये इसका एक वीक पॉइंट हो सकता है अदरवाइज़ ये एक अच्छा टेस्ट है इंटरेस्टिंग टेस्ट है और रिसर्च के हवाले से देखा गया है कि इससे खास अच्छे नतज हासिल होते हैं एक और टेस्ट जो टीएटी से मिलता जुलता टेस्ट है डेट इज़ सीएटी व्हिच टी वच इज़ चिल्ड्रेन अपरसपन टेस्ट uh, ये टेस्ट जो है ख़ास बच्चों के लिए ही मनाया गया और उसी तरह से इस्तेमाल होता है जैसे कि टी ए टी इट इज अ टेस्ट वॉज डिवेलप्ड इन नाइनटीन फोर्टी नाइन बेलक फॉर चिल्ड्रन एज थ्री टू टेन ईयर्स द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मे योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एटीट्यूड्स एंड साइकोडिक प्रोसेस इन चिल्ड्रेन देखा गया कि टी ए टी शायद इतना अच्छा टेस्ट नहीं है बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जिसकी वजह से बच्चों के लिए अलग से एक टेस्ट होना चाहिए Test the test contains black and white picture cards and uses animal figures instead of humans. In addition to original CAT, an alternative version of CAT called CATH is also available and published. Scoring of this test is not based on objective scales and it must be performed by a trained administrator. Training and skill is a must. द स्कोरीशन शुड टेक इन टू अकाउंटन पॉइंट द स्टोरीज प्राइमरी थीम इज द फर्स्ट थिंग जब हम इंटरप्रटेशन करेंगे और बच्चे के रिस्पॉन्स का जायजा लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कहानी की थीम क्या है उसके बाद दूसरी चीज हीरो द स्टोरीज हीरो और हीरोइन कहानी का जो मरकजी किरदार है वो कौन है और वो कैसा है Uh, ख्याल है कि अगर एक लड़का वो टेस्ट कर रहा है तो हीरो का किरदार उसके लिए ज़्यादा अहम होगा और उसकी अपनी शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रहा अगर वो लड़की है तो जो उसमें मेन फीमेल कैरेक्टर है वो उसकी शख्सियत की अक्सी कर रहे होंगे देन वी हैव द नीड्स और ड्राइव ऑफ द हीरो और हीरोइन द एन्वामेंट इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस एंड द चाइल्ड परसेप्शन ऑफ द फिगर्स इन द पिक्चर क्या माहौल है क्या सेटिंग है जिसमें तमाम दर वाकत हो रहे हैं मुख्तु किरदारों का आपस में क्या ताल्लुक है और इमोशनली और सोशली और अदरवाइज वो कैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और कैसे लिंक्ड हैं या रिलेटेड हैं ये सब कुछ भी जो है बच्ची की शख्सियत की मुख्त पहलुओं की अक्सी करेगा द मेन कॉन्फ्लिक्ट दोरी द इन्ज्जाइटीज़ एंड एक्सप्रेस इन द स्टोरी कहानी में कहानी की थीम में किरदारों में क्या कॉन्फ्लिक्स हैं क्या तनाव पाया जाता है क्या एंजाइटी या मुश्किल पाई जा रही हैं ये तमाम भी जो है बच्चे की पर्सनैलिटी की असमेंट के हवाले से देखे जाएंगे और इनका जायजा लिया जाएगा द फंक्शन ऑफ़ द चाइल्ड सुपर ईगो एंड द इंटेग्रेशन ऑफ द चाइल्ड ईगो बच्चे की सुपर ईगो और उसकी ईगो कहाँ पे कार फरमा है उनका किरदार क्या दिखाई देता है ये सब कुछ भी जो है सी ए टी के पिक्चर के एनालिसिस में और इंटरप्रटेशन में मद्दनज़र रखा जाता है और इनकी बुनियाद पर टेस्ट की इंटरप्रटेशन की जाती है अब जब हमारे पास रोशा का टेस्ट फिर टी ए टी फिर सी ए टी इस तरह के जब टेस्ट थे तो ग्रेजुअली बहुत से और इस किस्म के टेस्ट जो हैं लोगों ने वो डिवेलप किए ऐसे बहुत से टेस्ट मौजूद हैं जिसमें पिक्चर स्टोरी के बारे में Uh, हम जो तस्वुर है इस्तेमाल करते हैं यानि एक पिक्चर दे दी एक तस्वीर दिखाई गई और उसके बारे में कहानी बनाने को कहा गया पिक्चर स्टोरी टेस्ट के नाम से भी एक टेस्ट मौजूद है द पिक्चर स्टोरी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय से इन 1949 ऐसा पुराना टेस्ट है लेकिन इतना ज़्यादा कॉमनली नोन टेस्ट नहीं आए क्योंकि दूसरे बहुत से टेस्ट हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं द टेस्ट वॉज डिवेलपूज विसेंस The main objective of this test is to elicit stories related to specific situations, like coming home late, leaving home, and planning for future. यानी सिचुएशंस हैं जिनके हवाले से तस्वीर देखकर और वो कहानी जो है वो बनाई जाती है लेकिन जरा सा मुख्तलिफ टेस्ट और एक दिलचस्प तरीके से एडमिनिस्टर किए जाने वाला टेस्ट है ये The test contains 20 picture cards. और इन मुख्तल पिक्चर कार्ड्स को और जो सिचुएशन है उनके हवाले से देखते हुए कहानी बनाई जाती है और जाहिर है उसी हिसाब से हम उसकी इंटरप्रटेशन करते हैं एक और टेस्ट द एजुकेशन अपरसपन टेस्ट और फिर द स्कूल अपरसपन मैथड ये भी दो इंस्ट्रोमेंट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि आप देखते हैं कि एजुकेशन और स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं The Education Perception Test was developed by Thompson and Sons in 1973, and the School Perception Method was designed by Solomon and Starr in 1968. Once again, pictures are used. These two picture instruments were designed to tap children's attitude towards school and learning. TAT <laughs> इस्तेमाल नहीं कर रहे इन जनरल हर लाइफ सिचुएशन के बारे में रवैये या जज्बात या मसाइल के बारे में हम इसमें एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे बुनियादी मकसद ये है कि स्कूल और टीचिंग और लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन एंड सेटिंग्स उनके बारे में बच्चे के जो रवैये हैं या उसके अहसास हैं उनको स्टडी किया जाए तो so, इस लिहाज से ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि शायद

उनका हम जायजा ले रहे हैं यानी कॉन्फ्लिक तो जहां पे एक तरफ अपनी जाती, की बात हो रही है वहीं पे अपने से बड़ों के साथ जो लोग अथॉरिटी में हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट की भी बात हो रही है तो देखा जाए तो एक अपनी के बारे में जो इंसान की परसैप्शन है इसमें भी वही देखी जा रही है बिटवीन द एज ऑफ एट टू फोर्टीन ईयर्स बच्चों के साथ इस्तेमाल होने के लिए टेस्ट बना आठ से लेकर चौदह बरस की उम्र के बच्चों के लिए टेस्ट में सोलह पिक्चर्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं और इंटरप्रटेशन का इसका अपना एक सिस्टम है तस्वीरों के हवाले से अभी तक हम जो टेस्ट देख रहे हैं उसमें हमने ऐसे टेस्टों की बात की जिसमें बच्चे को स्टमस पिक्चर्स दिखाई जाती हैं यानी उसको हम कुछ तस्वीरें पेश करते हैं और उन तस्वीर के बारे में बच्चा कुछ बताता है मगर ऐसे भी बहुत से टेस्ट हैं जिसमें बच्चा या सब्जेक्ट या जो रेस्पोंडेंट है एडल्ट रेस्पोंडेंट भी उसको तस्वीर बनाने को कहा जाता है मेकअप पिक्चर स्टोरी मेथड भी इसी तरह का है दस्ट कंटेन्स सिक्सटी सेवन कट अप फिगर्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स डेट मे बी प्रजेंटेड ऑन एनी ऑफ ट्वेंटी टू पिक्टोरियल बैकग्राउंड यानी कटआउट की फॉर्म में किरदार हैं और पिक्टोरियल बैकग्राउंड भी हैं उनकी मुख्त सेटिंगस करते हुए जो है एक पिक्चर स्टोरी बनाई जाती है दॉ डिवेलप्ड इन नाइनटीन फिफ्टी टू एंड इट हेल्प टू इंडिकेट दिंकिंग एंड फीलिंग टेस्ट टेकस टेस्ट टेकर्स की थिंकिंग फीलिंग और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपीरियंसिस भी जो हैं हमें इसमें दिखाई देते हैं और जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर कमरे की सेटिंग हो सकती है सड़क की सेटिंग हो सकती है बाग की सेटिंग हो सकती है अब जो किरदार जो हैं कट आउट्स जो हैं उनको इस तरह से प्लेस किया जाता है कि ना सिर्फ ये कि उनके जज्बा और थिंकिंग जो है हमारे सामने आती है इसके साथ साथ उनकी लाइफ की सेटिंग और सिनारियों जो है वो भी सामने उभर कर आता है देखा गया है कि यह भी टेस्ट जो है सब्जेक्ट को भी दिलचस्प लगता है थोड़ी सी इसमें एक्टिविटी भी शामिल है इंटरप्रटेशन इसकी भी उसी तरह से अपने सिस्टम के तहत होगी जो सेटिंग्स होंगी जो किरदार होंगे जो उनके महसूसात होंगे और उनके जो एक्शंस हैं उन तमाम को इंटरप्रेट करते हुए सब्जेक्ट के बारे में इंटरप्रटेशन की जाएगी नैन देर आर समर टेस्ट विच यूज़ पिक्चर इन अ डिफरेंट मैनर मिसाल के तौर पर एक टेस्ट है आपने शायद उसका नाम ना सुना हो इट इज़ कॉल्ड

हाथ की मुखल तस्वीर है या ड्राॅइंगस कह लीजिए और दसवा कार्ड जो है वो एक ब्लैंक कार्ड है आप तस्वीर देखते हैं उसमें एक हाथ की ड्राॅइंग है आपको कहा जाता है कि आप बताइए कि ये हाथ इस वक्त क्या कर रहा है इसको जो डिस्क्रिप्शन होगी और जो बताया जाएगा उसके बारे में ख्याल है कि वो अक्कासी करता है इस बात की सब्जेक्ट की अपनी फीलिंगस क्या हैं क्या हैं और किस किस्म की बिहेवियर इमोशनल मेंटल टेंडेंसीज का वो मालिक है द रिस्पॉज्रेटर अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी फोर कैटेगरीज जो मुख्तु रिस्पॉन्स सब्जेक्ट देते हैं उनको मुख्तु कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है चौबीस कैटेगरीज इसमें पॉसिबल है मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि कुछ रिस्पॉन्स जो है वो अफेक्शन में फॉल कर सकते हैं एग्रेशन डिपेंडेंस इस तरह की मुख्त कैटेगरीज हैं और जो सब्जेक्ट से रिस्पॉन्स हैं उनको कैटेगरीज के हिसाब से जो है अपनी अपनी कैटेगरी में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और यही चीज़ें जो हैं और ये जो रिकॉर्ड की जाती हैं रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द कैटगरीज दिस प्रोवाइज द बेसिस फॉर इंटरप्रटेशन इसके अलावा जो ब्लैंक कार्ड है उसके बारे में सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि इस में क्या हो रहा है

तो ये तो कुछ ऐसे टेस्ट थे जिसमें हम मुख्तलिफ तरह की तस्वीर दिखाते हैं कुछ ऐसे टेस्ट भी है मसलन फ्रस्ट्रेशन स्टडी द रोजन वे पिक्चर स्टडी इट वॉज डिवेलपीन फोर्टी सेवन दस्ट इज बेस्ड ऑनशन बींग्रेटेड यानी ऐसे किरदार जो किसी वजह से फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है Subject unke saath associate karega. The test is available in forms for children, adolescents, and adults. The task of the test is to fill in the response of cartoon figures being frustrated. The responses are scored in terms of the type of reaction elicited and the direction of the aggression expressed. Yani, kis -kisam ka response elicited एग्रेशन का कैसे इजहार किया गया फ्रस्टेशन को कैसे एक्सपीरियंस किया गया और फ्रस्ट्रेशन के बाद वो एग्रेशन किस तरफ डायरेक्टेड है ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंटरप्रटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं अभी तमाम टेस्ट्स के बारे में बात करने का मकसद ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कितनी मुख्ती में पाए जाते हैं और अभी हमने उनमें से कुछ टेस्टों की बात की ये वो टेस्ट हैं जिसमें हम स्टिमुलस पिक्चर्स जो हैं वो पेश करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट जो है उनको रिएक्ट करता है रिस्पॉन्ड करता है उनको डिस्क्राइब करता है इसके अलावा ऐसे भी टेस्ट हैं जिनमें मुख्तफ तरह की ड्राइंग्स जो है सब्जेक्ट बनाता है अभी हम इन दो ऐसे टेस्टों की बात करेंगे ड्रॉ पर्सन टेस्ट और हाउस ट्री पर्सन हाउस ट्री पर्सन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है और स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स में बहुत इस्तेमाल होता है इसके साथ साथ आप ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट भी खासा पॉपुलरली इस्तेमाल करते हैं जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सब्जेक्ट को पेपर और पेंसिल दे दिया जाता है और उसको एक पर्सन ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है ये ज़रूरी नहीं कि बनाया जाने वाला शख्स मेल होगा या फीमेल होगा बड़ा होगा या छोटा होगा बुनियादी चीज़ जो करनी है वो है एक ड्राॅइंग बनाना टेस्ट वॉज डिवेलप्ड इन द work of Macover 1949 the drawings of person made by examinee are evaluated for various characteristics do be drawings by nijatia's mibotsi characteristics we have unkajazali jata umisal kathopi placement size of the figure pencil pressure symmetry line quality shading the presence of erasers facial expressions posture clothing and overall अपियरेंस यानी जो ड्रॉइंग है अक्सर जब आप किसी भी शख्स को वो टेस्ट करने को देते हैं लोगों का पहला रिएक्शन ये होता है कि जी मेरी तो ड्राॅइंग अच्छी नहीं है फिर आप उन्हें बताते हैं कि ये ड्रॉइंग का टेस्ट नहीं है हम ये देख रहे हैं कि आप क्या बनाएंगे तो जो थोड़ी सी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस सब्जेक्ट में आ जाती है ड्रॉइंग के हवाले से वो ख़त्म हो जाती है दे फील लेस इन्हेबिटेड ऑल्सो ड्राइंग जब मुकम्मल हो जाती है तो उसमें जाहरी बात है कि आप ड्राइंग की क्वालिटी तो नहीं देख रहे लेकिन आप पेंसिल प्रेशर और कितनी दफ़ा मिटाया गया इरेजर का इस्तेमाल किया गया इस पर ज़रूर तवज्जो देते हैं क्योंकि ये उस इंसान में या उस सब्जेक्ट में पाए जाने वाली किसी कॉन्फ्लिक्ट की किसी फ्रस्ट्रेशन की इनबिशन की टेंशन की एंगज़ाइटी की निशानदेही कर सकते हैं इसके साथ साथ ये कि तस्वीर को कागज़ में कहाँ प्लेस किया गया इसकी अपने हवाले से इंटरप्रटेशन होगी विशाल के तौर पे अगर पूरा सफ़ा मौजूद है लेकिन उसके एक कॉर्नर में जाके एक छोटा सा फिगर बना दिया गया तो इससे क्या मतलब है इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो शख्स आइसोलेशन का शिकार है इंट्रोवर्जन में वो ज़्यादा महव रहता है और ये कि वो थोड़ा सा आलूफ शख्स है बाकी सारे माशरे से या इर्द के लोगों से वो दूरी में है और तन्हाई में है अगर फिगर सेंटर में बनाया गया तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज़ एट ईज़ विध अदर पीपल एंड सराउंड्स अगर फिगर को बहुत छोटा बनाया गया बहुत कमज़ोर बनाया गया ये कुछ और चीज़ें इंडिकेट करता है उसके लिम्स किस तरह से हैं हाथ पाँव कैसे हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं सब्जेक्ट जो तस्वीर बना रहा है उसके मुख्त्य जज्बात की एक्सपीरियंसेस की तजुर्बा की अकासी करते हैं और ये टेस्ट ड्रॉ पर्सन टेस्ट और इसके बाद जो हम ज़िक्र करेंगे एच या हाउस री पर्सन ये टेस्ट ऐसे हैं कि इन्होंने बहुत से केसेस में साइकोपथोलॉजी की इंडिकेशन में बहुत मदद की है और हम ये देखते हैं कि साइकोपथोलॉजिकल पैटर्न्स जब पाए जाते हैं तो उनकी निशानदही ड्राइंगस में होती है ड्रॉ पर्सन टेस्ट में आप सिर्फ एक आ, फिगर बनाते हैं जबकि आप हाउस टी पर्सन जो कि दूसरा टेस्ट है उसमें आप सब्जेक्ट से कहते हैं कि वो एक घर एक दरख्त और एक इंसान की तस्वीर बनाए आ, सबसे अहम दोबारा से वही बता आ, बात बताने की ज़रूरत पेश आती है कि टेस्ट जो है वो ड्राॅइंग का नहीं है सब्जेक्ट को ये यकीन दिलाया जाता है कि उसकी ड्राॅइंग के ऊपर कोई एवलुएशन नहीं हो रही देखा जा रहा है कि वो किस किस तरह की चीजें बनाएगा एच टीवी वॉज डिवेलप एंड पॉपुलराइज बाईन आर यूज एज रिफ्लेक्टिव सोर्स सोर्स विच इंडिकेट द साइकोलॉजिकल एंड साइकोपेथोलॉजिकल फंक्शनिंग आइटम्स वाइट पेपर एंड पेंसिल दे आर रिक्वायर्ड नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड जरूरत पड़े तो आप इरेजर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं कागज के ऊपर तस्वीर बनाई जाती है सब्जेक्ट बाज़ अवत्यात तीनों चीज़ें एक ही कागज़ पर बना देते हैं और बात ये मुतालबा भी पेश आता है कि आपको अलग अलग कागज़ चाहिए या सफिशेंट आपके पास मटीरियल्स मौजूद नहीं है लेकिन ये ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट ईश्यूज़ नहीं है इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रॉइंग एच टीपी के इंटरप्रिटेशन के लिए मैनुअल्स मौजूद हैं ऐसे लोगों ने किताबें लिखी हैं जो कि पूरी पूरी किताब एस टी पी की ड्राइंग्स की इंटरप्रटेशन के बारे में है और ये देखा गया है कि जो ख़ास तौर पर ह्यूमन फिगर की ड्रॉइंग है उससे बहुत सी चीज़ें किसी शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में पता लगती हैं मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने बहुत टाइट जो कपड़े पहने टाइटली पैक्ड इंसान बनाया गया कपड़ों के ऊपर बटन्स लगे हुए सख्त किस्म की बेल्ट बांधी हुई उससे पता लगता है कि वो शख्स किस किस्म की शख्सियत का हामिल है उसको फ्लैशी चीज़ें पसंद है लेकिन वो एक क्लोज पर्सनैलिटी है आ, अगर बहुत से लोग जब तस्वीरें बनाते हैं तो उसमें बाजू की जगह और टांग की जगह महज एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं और डैंगलिंग हैंड्स एंड फीट उनके हाथ जो है वो हाथ नुमा नहीं होते लेकिन एक दायरा बना देते हैं या एक नुकता लगा देते हैं कि ये हाथ है और ये पाँव है ये चीज़ें जो है ये कि साइकोपेथोलोजी की इंडिकेशन करते हैं और देखा गया है कि मुख्त तरह की ड्राइंग्स एंगजॉ एंगजाइटी डिप्रेशन स्किफ्रेनिक टेंडेंसीज ये बहुत हद तक हम एसटीपी की मदद से देख सकते हैं कुछ प्रोटेक्टिव टेस्ट ऐसे भी हैं जिसमें ड्राइंग्स या स्टमुलरस ड्राॅइंग इस्तेमाल नहीं की जाती पिक्चर्स नहीं दिखाई जाती लेकिन उसमें अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास कम अज कम तीन चार ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आप वर्ड्स को स्टिमुलस इस्तेमाल करते हैं यानी बजायज कि हम तस्वीर दिखाएं हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है अल्फाज को कैसे रिएक्ट करता है बिल्कुल ऐसे जैसे आपने रोशराख में एक इंक ब्लॉट दिखाया और आपने पूछा कि इसमें क्या है या आपने टी, -टी में एक तस्वीर दिखाई और कहा कि इसके बारे में कहानी लिखो या आपने ड्रॉइंग कहने को बनाने को कहा और कहा कि आप ड्राॅइंग बनाओ और आपने देखा इस ड्रॉइंग में उस शख्स की पर्सनैलिटी कैसे दिखती है कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें स्टिमलस के तौर पर पे अल्फाज पेश किए जाते हैं अल्फाज की एक लिस्ट एक एक करके आप अल्फाज बोलते हैं और हर लफ्ज़ के जवाब में सब्जेक्ट से कहा जाता है कि वो कुछ कहें उसके जो स्पॉन्टेनियस रिस्पांस हैं वो इंटरप्रटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इस हवाले से सबसे पहले जिस टेस्ट का नाम हमारे सामने आता है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या डब्ल्यू एवेलप्ड इन फोर्टी पॉर्ल एंड द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ट्राइज रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स लाइक रिएक्शन टाइम test कंटेंट एंड

जब हम एक सिमल पेश करेंगे तो इमीजिएटली बगैर सोचे समझे जब कोई लफ्ज बोला जाएगा तब तो वो लफ्ज जो है उस सब्जेक्ट की या उस शख्स की अनकॉन्शियस की या लाशूर की तर्जमानी कर रहा होगा इन टू पार्ट फर्स्टली द एग्जामी रिस्पॉन्ड क्विकली विदाउट थिंकिंग एंड इन द सेकेंड फेज ही इज अगेन प्रजेंटेड विद द वर्ड एंड आज टू रिप्रोड्यूस औरिजनल रिस्पॉन्स साठ अल्फ बहुत ज़्यादा लंबा टेस्ट नहीं है इसमें बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि आप एक लफ्ज बोलते हैं और फ़ौरन ही उससे उसका जो है रिस्पॉन्स या रिएक्शन ले लेते हैं टाइम इसलिए नोट किया जाता है कि कौन से अलफा हैं जिनके रिएक्शन में जवाब देते हुए सब्जेक्ट ने देर लगाई वो कौन से अलफाज हैं जिसके ऊपर वो अटका कौन से अल्फाज हैं जिसके रिएक्शन के लिए उसको सोचना पड़ा और कौन से अल्फाज हैं जिनके ऊपर उसको कुछ सोचना ही नहीं पड़ा उसने जो भी माइंड में आया वो भूल दिया वो भी उसके अनकॉन्शियस की निशानदेही करता है और वो इनबिशन रजिस्टेंस रुकावटें जो उसने एग्जिबिट की या दिखाएं वो भी बहुत मदद देती हैं देखने में कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है इसी तरह का एक और टेस्ट जो दिलचस्प टेस्ट है कॉमनली इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस कम्प्लीशन टेस्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक्स से उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं आर आई एस पी रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड के जवाब में कुछ बोलने को कहा जाता था आर आई एस पी में इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाते हैं और सब्जेक्ट को वो मुकमल करना होते हैं

तो आई लाइक के जवाब में सब्जेक्ट जुमला कैसे कंप्लीट करता है जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो उसके अंदर की तर्जुमानी करेगा जो कैटेगरीज इनको कंसिडर करना चाहिए आरआईएसपी के मैनुअल के मुताबिक वो फैमिली एटीट्यूड्स सोशल एंड सेक्चुअल एटीट्यूड्स जनरल एटीट्यूड्स एंड कैरेक्टर ट्रेट्स ईथ रिस्पॉन्स इज एवेलुएटेड ऑन सेवन पॉइंट स्केल रेंजिंग फ्रॉम नीड फॉर थेरेपी टू एक्सट्रीमली गुड एडजस्टमेंट यानी इंटरप्रटेशन जो रिस्पॉन्स हैं उनको देखते हुए की जाती है उनकी बुनियाद पर उसकी रेटिंग होती है कि क्या ये शख्स एक बहुत ज़्यादा वेल एडजस्टेड शख्स है या इसको बहुत ज़्यादा कोई किसी किस्म का मसला है जिसके लिए उसको हेल्प की या असिस्टेंस की ज़रूरत है टेस्ट में चालीस इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक्स हैं इसका स्ट्रॉग पॉइंट यह है कि खासी अच्छी तरह से इसको बनाया गया एक कॉम्प्रीहसिव है द टेस्ट में भी यूज फॉर ऑप्टेनिंग डाइवर्स इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट एटीट्यूड्स फीयर्स कॉन्फ्लिक्स नीड्स एट्सट्रा तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के जरिए कवर की जा सकती हैं वीक पॉइंट इसमें यह है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो जैसे बाकी के भी हैं इस टेस्ट में भी इस चीज़ को चेक करने का कोई तरीका नहीं कि सब्जेक्ट ने जो जवाब दिए वो कितने दुरुस्त थे बाजुकात ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो जान बूझ के इस तरह के जवाब देते हैं कि उनका मतलब कोई और शख्स जो है किसी और तरह से अख़स कर ले तो इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है कि सब्जेक्ट जो जवाब दे रहा है वो किसी इम्प्रेशन मैनेजमेंट के लिए दे रहा है या सचमुच वो उसके जज्बात हैं और उसके अपने ख्याल हैं ये एक आ, वीक पॉइंट है अदरवाइज ये देखा गया है कि जो आर आई एस बी है ये एक अच्छा टेस्ट है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इसके अंदर जो अनकॉन्शियस फैक्टर्स हैं या कॉन्फ्लिक्स हैं कन्फ्यूजनज हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस किस्म के और भी कुछ टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम पर्सनैलिटी के असमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ी बहुत आ, वेरिएशन के साथ अगर हम देखें तो वो ओरिजिनल पुराने टेस्टों से ही मिलते जुलते टेस्ट हैं तो जो टेस्ट वो के बाद या टीएटी या सीएटी के बाद बनाए गए देखा जा सकता है कि वो थोड़े बहुत रद्द-बदल के बाद उन्हीं टेस्टों की एक नई फॉर्म बनकर उभरे इसी तरह से जो ड्राइंग के टेस्ट हैं हाँ वो ड्रा अ मैन टेस्ट हो या ड्रा अ पर्सन या हाउस ट्री पर्सन उन कॉन्टेंट में बहुत सी सिमिलरिटीज़ है और इस तरह से उनकी इंटरप्रटेशन में भी बहुत सी चीज़ें कॉमन है ऐसा नहीं है कि हाउस टू पर्सन में तो पर्सन का फिगर बिल्कुल मुख्तफ तरीके से इंटरप्रेट हो जबकि ड्रॉ अ पर्सन में किसी और तरह से तो जो इंटरप्रटेशन है और जो साइकोपेथोलॉजी के निशानदेही इन टेस्टों की बेसिस पे होती है उसमें देखा गया है कि उसमें काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ, कुछ आ, शुरू में तो बहुत पॉपुलर टेस्ट रहा है आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट नहीं है लेकिन अगर आप एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसकी एक साइको ओरिएंटेशन है और आप अनकॉन्शियस को ही खोजने में और उसको इन्वेस्टिगेट करने में बिलीव करते हैं तो शायद आप डब्ल्यू ए टी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है उसको इस्तेमाल करना पसंद करें इट्स अ क्विक टूल क्विक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हमें ये याद रखना चाहिए कि खा हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट और पर्सनालिटी की बात करें और चाहे हम प्रोजेक्टिव टेस्ट की हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई एक टेस्ट तन्हा ऑन इट्स ओन कैन नॉट बी अ गुड टूल फॉर डिसीजन मेकिंग हम एक टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी बुनियाद पर किसी शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में असमेंट भी कर सकते हैं लेकिन अगर सीरियस डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो और उस इंसान की ज़िंदगी पर इस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन का असर पड़ सकता है तो हमें चाहिए कि हम इस टेस्ट को अकेले इस्तेमाल करने की बजाय एक बैटरी के पार्ट के तौर पे इस्तेमाल करें इसको हम सप्लीमेंट करें मुमकिन हो तो हम ऑब्ज़र्वेशन को इस्तेमाल करें इंटरव्यूइंग को इस्तेमाल करें हो सके तो एक से ज़्यादा टेस्ट इस्तेमाल करें मिसाल के तौर पे अगर आप टीएटी देते हैं और आपको उसमें खास तरह की टेंडेंसी उस शख्स में दिखाई देती है या अगर आपने रोशाख़ दिया तो आपको लगा कि ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी हैं जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकती है उसके अपने लिए भी और माशरे के लिए भी तो अच्छा होगा कि हम कोई और टेस्ट भी इस्तेमाल करें एज ए सप्लीमेंट और ये देखें कि क्या उसमें भी हमें वही टेंडेंसीज दिखाई दे रही हैं जो कि रोशाख़ जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारी इंटरप्रटेशन भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम कोई असमेंट कर सकेंगे और अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसमें हमें ज़्यादा एक श्योरिटी होगी कि हम एक सही फैसला कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो ये बात ना सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में सही है बल्कि एबिलिटी टेस्ट के बारे में भी हम यही जानते हैं और हमने यही सीखा है कि किसी भी टेस्ट को एक अकेले टूल के तौर पर इस्तेमाल करना इतनी अच्छी बात नहीं है जहाँ मुमकिन हो एक से ज़्यादा टेस्ट जो है इस्तेमाल करने चाहिए और यही वजह है कि हम टेस्ट बैटरीज का इस्तेमाल अक्सर और व्यश्तर करते हैं आइंदा सेशंस में हम पर्सनैलिटी की और इससे मिलती जुलती और चीज़ों की पैमाइश के बारे में मज़ीद टेस्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि लोगों के इंटरेस्ट और टेंडेंसीज़ वो किस तरह से टेस्ट की जाती हैं